वेलकम टू ए किचन माई किचन। आज हम बनाएंगे पित्तौड़ की सब्जी। ये खाने में बहुत लाजवाब लगता है और नाश्ते के रूप में आप इसे स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की। सबसे पहले एक कप हम बेसन लेंगे और एक इसे अच्छे से स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन इसलिए करेंगे जिससे इनमें गुठलियाँ जो भी हो ख़त्म हो जाए। एक चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा, स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड करेंगे। और एक कप हमने बेसन लिया है तो दो कप पानी लेंगे। बहुत अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे। अब एक कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा हींग से तड़का देंगे। इसमें बेसन के घोल को धीरे धीरे ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। इन्हें कंटिन्यू तब तक स्टर करना है जब तक कि पूरी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च भी ऐड करेंगे और इन्हें तब तक चलाना है जब तक इनमें से सारा पानी सूख ना जाए और ये थोड़ा थोड़ा कड़ा ना होने लगे। अब इनका कच्चापन बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, तब गैस को कर देंगे हम ऑफ और एक थाली में ऑयल लगाएंगे और बैटर को हम थाली में ट्रांसफ़र करेंगे और हाथ से ही इन्हें गोल शेप दे लेंगे और थोड़ी देर इन्हें ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो इन्हें हम कट लगाएंगे। आप जैसा शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। हम इसे क्यूब शेप दे रहे हैं। अब एक पैन को हम गरम करेंगे और इसमें लगभग दो बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और अपने सारे पीसेज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें हम प्लेट में निकालेंगे। अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई में हम दो बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे और हम दो प्याज लेंगे पील करके और उन्हें अच्छे से प्यूरी कर लेंगे, रखेंगे साइड में। तेल हमारा गर्म होने पर थोड़ा सा हींग से तड़का देंगे और तेज़पत्ता से। इन्हें चटकने के बाद हम एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेंगे और इसे बहुत अच्छे से हम भूनेंगे कंटिन्यू स्टर करते हुए। और जब ये अच्छे से भून जाए तो हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो उतना ऐड कर सकते हो। अब हम जो प्याज की प्यूरी बनाए थे वो ऐड करेंगे। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि प्याज को हमें बहुत अच्छे से भूनना है, वरना प्याज अगर अधिक कच्ची रह गई तो स्वाद हल्का आएगा। अब हम उसी मिक्सर जार में दो टमाटर लेंगे या एक टमाटर और अच्छे से प्यूरी बना लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। और मसाले ऐड करने के बाद हम इन्हें कंटिन्यू स्टर करके बहुत अच्छे से भुनेंगे जब तक इसमें से ऑयल ना रिलीज़ होने लगे। जब देखिए इनमें से ऑयल रिलीज़ होने लगा है तो हम टमाटो प्यूरी भी ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी डाल के हम बहुत अच्छे से भुनेंगे जब तक इसमें से ऑयल ना रिलीज़ होने लगे। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट काश्मीरी लाल मिर्च। सब्ज़ी का कलर आपको चाहिए तो काश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये तीखा बिल्कुल नहीं होता है लेकिन सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा बनाता है। अब इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से ऑयल ना साइड से रिलीज़ होने लगे।
भुनने के बाद इसमें हम 2 बड़ा चम्मच दही ऐड करेंगे। दही हमारी खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और दही को आप जब भी ऐड करें तो उसे फेंट के ही ऐड करें, वरना दही फट सकती है। इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। और बहुत अच्छे से इन्हें कंटिन्यू स्टर करते हुए भुनना है। और जब इसमें से ऑयल छोड़ने लगे तो 1 कप हम भर के पानी ऐड करेंगे। हम इसे 1.5 कप ऐड कर रहे हैं। अब इसे 4 से 5 मिनट तक हम पकाएंगे। अब गैस को कर देंगे ऑफ और अपनी फ्राई की हुई ककड़ी को अच्छे से ऐड करेंगे। याद रखें, जब भी ऐड करें ककड़ी को तो गैस को ऑफ कर दें। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं एक ऐसी ही अनोखी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो कैसी लगी पित्तौड़ की सब्ज़ी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मैं आपका वहाँ वेट कर रही हूँ।